जय हिंद साथियों, आज हम ये बात करेंगे यूपी टेट पर। इस बार कैसे 21 दिन में तैयारी करके पास करें। वास्तव में 21 दिन में यूपी टेट पूरा पढ़कर पास करना ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने घुमा दिया और आप पास हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक प्रयास किया जा सकता है और ये प्रयास को यकीन में बदला जा सकता है। मैंने बेहतर रणनीति, अगर हो आपके पास तो आप आसानी से यूपी टेट 2021 को पास कर सकते हैं। क्योंकि इस बार यूपी टेट में अगर आवेदन देखें तो लगभग 21,62,000 आवेदन हुए हैं। लेकिन अगर से प्राथमिक की बात करें कि प्राइमरी में कितने आवेदन हुए हैं, तो जो प्राथमिक में आवेदन हुए हैं वो लगभग 13.5 लाख हुए हैं। अगर हम आवेदनों की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल 21.62 लाख आवेदन यूपी टेट 2021 के अंतर्गत हुए हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अगर पीआरटी की हम बात करें या जूनियर की बात करें, 1 से 5 तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आवेदन लगभग 13.5 लाख आवेदन हुए हैं। अगर हम बात करें जो प्राथमिक के बाद जो जूनियर है, जो 6 से लेकर 8 तक है, वहां पे लगभग 8.1 लाख आवेदन हुए हैं। माने ये 1 to 5 के लिए था और ये 6 to 8 के लिए था, तो ये आवेदन था। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूपी टेट को पार करना एक बड़ी टेढ़ी चीज सी है। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें जो पीएनपी से पेपर हो रहे हैं, उन पेपरों में लगातार आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। जब सिलेबस के बाहर जाएंगे तो हमें तैयारी कैसे करना है। अभी 21 दिन तक हम लोगों ने अभी तक पूरा सिलेबस भी कवर नहीं किया है, तो फिर आज की जो रणनीति होगी कि 21 दिन में कैसे पार करें, यकीनन आपको भी इस बात का भरोसा हो जाएगा कि हम 21 दिन में कैसे पार कर सकते हैं। कौन सी नोट्स पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा प्रैक्टिस सेट हल करना है और किन किन चीजों पर फोकस करना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, इन बातों को अगर हम आपके साथ साझा करेंगे। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यूपी टेट की लड़ाई आगे कैसे लड़नी है। क्योंकि अगर आपने साथ दिया, हम आपको परिणाम जरूर देंगे और इसके लिए हम आपके लिए पूरी तरह से मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी रणनीति के तहत जहां पे आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। माने 100% रिजल्ट होगा, क्योंकि सबका जो टारगेट है इस बार 82 और 90 अंक प्लस का। यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं वो चाहते होंगे पहला काम इसको पार करें। लेकिन एक चीज आ रही है कि क्या यहाँ पर 1/4 अंक आपके जुड़ेंगे, तो मैं पहले इस बात को बता दूं, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। इस भ्रामक खबर से बचिएगा, ये पूरी तरह से फर्जी अफवाह है। ताकि आप कोचिंग ज्वाइन करें, उन्हें पैसे दें, किताबें खरीदें, इसलिए ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। जो पहले से टेट पास हैं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है। दूसरा, जो 2011 से लेकर 2020 तक जो भी अभी तक टेट या सीटेट पास थे, क्या उनके टेट वैलिड हैं, तो यहाँ पर भी ये बता देना चाहेंगे कि 2000 से लेकर 11 से लेकर अभी तक जितने भी टेट थे फिर सभी क्या है, वैलिड हो गए हैं, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। तो ये बातें आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा हाल में प्रेशर की वजह से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपको पहले से आते हैं और पता होते हैं और वो सवाल आप गलत कर जाते हैं। तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि परीक्षा हाल से बाहर आने के बाद ढेर सारा सवाल, सर इसका उत्तर ये था, इसका उत्तर ये था, अरे जल्दबाजी हमने ये कर दिया। तो उसके साथ साथ आज हम लोग ये देखेंगे कि परीक्षा हाल के अंदर हम और आप 5 प्रकार की गलतियां करते हैं ओएमआर सीट को लेकर। उन 5 प्रकार की गलतियों से भी आज हम सीखेंगे। जी हाँ, हम आपको दिख रहे होंगे, मेरे पीछे हम सकल दिख रहे होंगे, लर्निंग दुर्गे पे जो आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, देशित में राष्ट्रित में, उनको भी आप देख पा रहे होंगे। अब हम और आगे चलते हैं और क्रमवार रूप से हर चीजों को फोकस करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किन किन चीजों में आपको दिक्कत आती है। सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमें सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस काफी ब्रॉड है, जहां पर हमें और आपको ये पता है, आगे डिस्कस करेंगे, 150 अंक होंगे, प्रश्न होंगे 150 अंकों को, और जो आपको जरूरत है, जो नीडेड है, वो कितनी है, 82 और 90 की। ये मैंने पहले बताया, पहली प्रायिकता है आपको पास करना और दूसरा प्रायिकता आपके लिए क्या है कि आप उसमें ज्यादा ज्यादा बेहतर स्कोर करें। तो आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे ना। इसके लिए कौन सी नोट्स पढ़ना है, कौन सी क्लास पढ़नी है, क्या चीज पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस सेट हल करना है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जिस समय आप परीक्षा हॉल के अंदर होते हैं, जब आप ओएमआर पर गोला करते हैं, तो आप 5 प्रकार की गलती करते हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की गलती करते हैं। हम चाहेंगे आप इन गलतियों को ना दोहराएं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं। 5 गलतियां कौन कौन सी थी, पहला ओएमआर सीट को कलर करने को लेकर, ओएमआर सीट भरा कैसे जाए, तो पहले ओएमआर सीट भरने में लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जगह रोल नंबर, रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर। तीसरा, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लोग लिख तो सही लेते हैं, लेकिन जब उसमें गोला करने की बात आती है, जैसे मान लीजिए
13, 4, 2 था, तो लिख लेंगे, लेकिन इसके नीचे एक गोला करना है, यहाँ पे 3, नीचे 3, 4, यहाँ 2, जो गोला करना होता है वहाँ पे गोला पे गलती कर देते हैं। ये तीन बड़ी गलतियाँ होती हैं वो हमारे सिटकों में लेकर। चौथी गलती जो होती है वो आप हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। चौथी गलती होती है जब हम 150 नंबर का पेपर हल कर लेते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि जो लास्ट में OMR भरना शुरू करते हैं। जब वो लास्ट में OMR भरते हैं, समय कम होता है, तो जल्दी जल्दी गोला करते हैं, और जल्दी जल्दी गोला करने में एक सीरीज गड़बड़ हुआ तो उसके बाद कितने सीरीज गलत हो जाते हैं और वो अच्छी खासी परीक्षा में पास होने की जगह निकल जाते हैं। चार बड़ी गलतियां। पांचवी गलती जो आप OMR शीट में करते हैं, जिस बार आपको नहीं करना है, कि हम पेपर हल करते रहते हैं, आराम से गोला करते रहते हैं, घड़ी का अंदाजा भूल जाते हैं, और गणित आ गया तो फंस जाते हैं, और जब गणित में उलझ जाते हैं तो लास्ट में जब पांच बड़ी गलती लगती है, पता चला अभी आपको पर्यावरण नहीं किया, हिंदी नहीं किया है, संस्कृत नहीं किया, अंग्रेजी नहीं किया है, उस दशा में 90 अंक और आपके पास आखिरी बेल के 15 मिनट बचे हैं। अब उनको हल करेंगे कि गोला करेंगे, तो आप न चाहते हुए भी गोला करते हैं, कुछ प्रश्न छूट जाते हैं और आप उस परीक्षा में अच्छा खासा तैयारी होती है और आप गलती कर जाते हैं। यह गलती अब आपको इस बार परीक्षा में नहीं करना है। अब हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं 21 दिन की रणनीति क्या होगी, कई दिन की रणनीति क्या होगी, चलिए आपके साथ लेकर चलते हैं और ये बात करते हैं इन गलतियों को कैसे सुलझाया जाए। सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट हल करिएगा। प्रैक्टिस सेट हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दे रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहां पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मैराथन बैच है ई लर्निंग विद दुर्गेश की, हो सके तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपके लिए रामबाण साथ 399 की है, एक बार आप देख लीजिएगा, पूरी चीज आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 21 दिन की पूरी रणनीति क्या है। ध्यान से एकदम देखिएगा, आपके हर एक तथ्यों को हम यहाँ पे समझा के आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 21 दिन की यूपी टेट को पास करने की सबसे महत्वपूर्ण और अहम रणनीति क्या होगी। जी हाँ, 21 दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं है, हमने यू घुमा दिया और आप टेट पास हो जाएंगे। लेकिन एक बेहतर रणनीति अगर हम आपके साथ मिलकर साझा करें तो आप यकीनन अच्छे अंकों के साथ आप पार कर सकते हैं। अगर आज यूपी टेट का आप एक टेस्ट देते हैं, जैसे आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आज टेस्ट दिया, जहां पे पहले आपने CDP 30 प्रश्न 30 अंक के होते हैं, मैथ 30 प्रश्न होते हैं, EBS 30 प्रश्न होंगे, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ही होता है 30 प्रश्नों का, लैंग्वेज सेकंड में चाहे संस्कृत ले, अंग्रेजी ले, उर्दू ले। तो यहाँ पर हमने ये देखा, अगर इन सब विषयों का आप चयन करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट गलत कर दिया, ये मैथ हो गया, मैथ 2 नंबर पे है आपका माली, मैथ 3 नंबर पर है आपका EBS, 4 नंबर पे आपका लैंग्वेज फर्स्ट, और ये 5 अंक पर गए। ये 5 विषय होते हैं, और अगर आपने आज टेस्ट दिया, हो सकता है CDP में 30 प्रश्न, देखिए आपके प्रश्न थे ये अंक है, या ये अंक है ये प्रश्न है, प्रत्येक अंक समान है, प्रत्येक प्रश्न के 30 प्रश्न में से आपने 15 सही किए, किसमें? CDP में, ठीक है, 15 सही किए। 30 प्रश्न में मैथ में आपने 10 प्लस किया, हो सकता है सबको गणित नहीं आती, आपके भी गणित वीक थी, और EBS में 30 में आपने 18 किया, लैंग्वेज फर्स्ट में आपने कितना किया, हिंदी में 22 अंक, क्योंकि हिंदी लगभग अमूमन सबकी सही हो जाती है, अगर आपने नोट्स भी पढ़े होंगे तो। अगर लैंग्वेज सेकंड की बात करें आपने 15, जैसे अभी तक आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर नहीं पढ़ रहे थे, कहीं भी पढ़ रहे थे, आपने अभी मान लीजिए 80 स्कोर किया, कितना किया, इस 150 नंबर के पेपर में आपने 80 अंक अर्जित किए। आज के टेस्ट में आपको चाहिए 90 अंक या 82 अंक, हो सकता है कोई 10 अंक और लेकर आए, 90 अंक कर ले, कोई 70 अंक करे, कोई 75 सही हो, किसी 105 हो, किसी 110 हो, किसी का 90 हो, किसी का 120 प्लस हो, माने कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका 120 प्लस भी हो, माने इस तरह से आपके अंक आएंगे। लेकिन जिनके इस तरह से आए हैं एक्यूरेट 80 आए हैं, क्योंकि मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है वे सभी सीटेट के पैटर्न पे है, यूपीटेट के पैटर्न पे नहीं है, आधा सीटेट पैटर्न है, आधा यूपीटेट पर खिचड़ी है, केवल एक ऐसी है जो घटना चक्र की टो सीरीज जो सबसे बेस्ट मुझे अभी तक की लगी मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, तो अगर आपको लेना तो वहां से लीजिएगा। तो यहां पर हमने ये देखा कि प्राय अगर आप इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं, हो सकता है 80 आए, 90 आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा आज के प्रैक्टिस सेट आपने हल किया यही प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा हाल के अंदर मिले, इससे बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी सिलेबस हो सकता है। उस दशा में आप क्या करेंगे, आइए उस बातों को ध्यान में देते हैं। सबसे पहला काम, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, आपको टेस्ट पेपर हल करना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछला पेपर है 2011 से लेकर 2020, इनको पूरा हल करना है। तीसरा, इस समय आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, क्योंकि समय कम है आपके पास, 21 दिन बचे हैं। इस 21 दिन को हम 2 भागों में डिवाइड करने जा रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा कैसे कैसे।
ठीक है, सभी चीजें ध्यान समझिएगा। आपका जो लक्ष्य है वो 82 या 90, तो 90+ सबको करना है। टेस्ट पेपर आपको 20 मैं इलेवन में दुर्गेश पर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। ये सभी टेस्ट पेपर 20 टेस्ट होंगे जो पूरी तरह से आपके पैटर्न पर होंगे और सिलेबस के बाहर भी होंगे, क्योंकि अगर सिलेबस के बाहर प्रश्न पूछा जाता है तो कहां तक जाएगा इसको ध्यान में रखकर होंगे। और यहां पे 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कहां से, ये एक सवाल आपका है, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, क्योंकि 21 दिन आपके परीक्षा में बचे हैं। तो 20 प्रैक्टिस सेट हल करिए, 21वें दिन आपका पेपर होगा। प्रीवियस पेपर एक बार 2010 से 2009, एक काम ये करिएगा, एक दिन में सुबह के टाइम या शाम के टाइम एक टाइम आप टेस्ट पेपर हल करिएगा, दूसरा टाइम जो बचेगा उस समय आप प्रैक्टिस सेट हल करिएगा। क्या हल करिएगा? प्रैक्टिस सेट हल करिएगा। जब दूसरे मीटिंग आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, एक दिन में आपने कितने सवाल हल किए? 300। कितने सवाल आपने हल किए? 300 प्रश्न हल किए। तो आप जब प्रीवियस पेपर हल करने के बाद जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो ज्यादातर प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे। हाँ यार, ये प्रश्न तो मैंने टेस्ट में पढ़े थे, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। तीसरा, जैसे कुछ कमी आ रही है रिवीजन करने के लिए, तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा। अगर आपने इलेनी पे दुर्गे से नोट्स प्राप्त कर लिया है तो पूरे नोट्स को पढ़ डालिएगा, चाहे वो बाल विकास का नोट्स रहा हो, चाहे वो आपके मैथ की नोट्स हो, चाहे आपकी हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे वो CDP को, सभी नोट्स एक बार पढ़ डालिएगा। अगर अभी तक आपको नोट्स नहीं मिला है तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा, दुर्गेश सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश, या फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, वहां भी नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा इलर्निंग विद दुर्गेश पर, वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इलर्निंग विद दुर्गेश पर संपूर्ण नोट्स वहां पर उपलब्ध है। अब आते हैं कि 21 दिन को हम कैसे पढ़ेंगे। हम 21 दिन को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड करते हैं, 11 दिन 10 दिन। 11 दिन तक हमें आपको केवल पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी से बहुत सारे YouTube चैनल वाले आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसे एक प्रश्न के चार विकल्प दे रहे हैं, A B C D। जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न आप पढ़ें वह परीक्षा में आपको हूबहू मिल जाए। क्या ये जरूरी है? कतई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर जरूरी है, अगर आपने थियोरी पूरा पढ़ लिया तो प्रश्न चाहे जहां से आएगा आप कर ले जाएंगे। तो पहला टारगेट है आपके सामने कि इसको हम दो भागों में बांटते हैं। 21 दिन को हम करते हैं 11 दिन तक पहले पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर डालते हैं, जो सेक्शन आपको नहीं आता उसको वीक है जो उसको स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहला काम 11 दिन तक हम और आप पढ़ते हैं। 10 दिन तक केवल प्रश्नों को हल करेंगे। केवल क्या करेंगे? प्रश्नों को हल करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कमी रह जाती है उनको। जैसे कोई प्रश्न लेते हैं, उनके चार विकल्प है, जैसे लेते हैं निम्नलिखित में से किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये तो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, अब उसकी थियोरी भी पढ़िएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 दिन 11 दिन पढ़ेंगे और 10 दिन टेस्ट देंगे। ये हो गई 21 दिन की हमारी रणनीति। 21 दिन में कैसे पढ़ेंगे, आइए इस बात पर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला काम, इलेनी विद दुर्गेश पर जिनकी तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी उनके लिए पूरी मैराथन बैच आई है इलेनी विद दुर्गेश के ऐप पर। मेरी पूरी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलेगी, लेकिन वहां पर ऐप का थोड़ा सा कोई चार्ज होगा, जो आपको इंटरनेट का चार्ज होगा वो वहां पे देके आप बाकी लोगों की कोर्स वहां पे देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। 399 का शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वहां पे जाइएगा आपको पूरा मिल जाएगा। ऐप पर उनका सब कुछ है, सभी विषयों के हैं वहां पर। एक चीज होगा, अभी तक आपने जो छोड़ा है तो आप यहाँ पे रिविजन कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर उससे भी जुड़ा कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करिएगा, आपकी यहाँ से पूरी मदद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस को देखते हैं। जैसे किसी का गणित वीक है, किसी की इंग्लिश वीक है, संस्कृत वीक है, CDP नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, उनको किन किन चीजों पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेगा? प्रैक्टिस सेट जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये दोनों आपके लिए रामबाण है। और जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई मैथ में ज्यादा भी पाएगा। एक मैंने अमूमन रेशियो आपको बताया है, अगर आपकी ये चीजें हैं या इतना भी है तो जरूरी नहीं है, घमंड मत करिएगा। अगर कोई 120 जा रहा है तो घमंड मत करिएगा, ये आपकी मेहनत है, लेकिन हो सकता है परीक्षा किसी और करवट आ जाए, हो सकती है ना, नहीं हो सकता, करवट ले सकती है। उस दशा में आपको क्या करना होगा, ये बातें आपको जाननी जरूरी है। आइए हम आगे बात करते हैं अब सिलेबस के आधार पर, ठीक है। हाँ, नोट्स उपलब्ध है, 60 नोट्स जौनपुर से आके ले सकते हैं, जो जौनपुर के नजदीक है वो जौनपुर जाइएगा, कंप्लीट नोट्स आपको, चाहे हम यूपी टेट की बात करें यूपी टेट के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, आपको सी टेट के भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और उसके अलावा अगर आपको सुपर टेट के भी नोट्स चाहिए तो जाइए वहां पे, आप सुपर टेट के भी नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे इलेनी विद दुर्गेश के ऑफिस से, ठीक है। सभी चीज यहाँ पर उपलब्ध है, बस आप अपना बेहतर दीजिएगा। क्या यहां तक कोई डाउट है? अब हम एक बार सिलेबस को पूरा रिव्यू करते हैं आपके सामने, और आपके साथ ये देखेंगे कि अब आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, क्या 21 दिन में आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो सकती है। तो पहला काम, इस वीडियो को शेयर करिए, मैं आगे भी बता रहा हूँ, अब विषयवार
तो आप पहला काम इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाइए, पैसा नहीं कटेगा। ये वीडियो फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश दोनों पर आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है, तो जल्दी से फटाक से वीडियो को शेयर मारिए। पहला काम यार प्रैक्टिस सेटअप को पूरा मिलना है, घर बैठ के हल करिए और हम सोल्यूशन भी आपको देंगे पूरा कंप्लीट, पूरा 20 होगा 21वें दिन आपकी परीक्षा, ऐसा डिजाइन करा रहे हैं आपके लिए। नहीं अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, मैंने बात की ऑफिस में तो टाइप करने वाले को दिए, उनको पैसे देंगे तब तो वो देंगे, वो फ्री में नहीं टाइप करते। नहीं नहीं वो उनसे बात कर रहे हैं वो लोग, तो वो ऑफिस का काम है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम पढ़ाना था, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा। उनका ये प्लेटफॉर्म है, मुझे जगह मिल जाती, मेरे पास समय बचा है, मैं आपके लिए लाके बता देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। घर बैठने से बेहतर है किसी का भला हो जाए। देखिए ये आप डुप्लीकेट को देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं उसके पेपर के पैटर्न की तरफ। हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम देखें तो सीडीपी 30 प्रश्न होते हैं और कितने अंक होते हैं, 30 अंक होते हैं। आइए इस सीडीपी के बारे में भी हम लोग चीजों को जानते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे आप जानते हैं चीजें, यहाँ पर हमने और आपने ये देखा कि जो सीडीपी के प्रश्न 30 होते हैं, अगर आपने इलेनी विद दुर्गेश के नोट्स पढ़े होंगे तो कितने पेज के थे, 180 पेज के नोट्स थे। अभी भी आपके पास समय है, एक बार आप क्या करिएगा, एक दिन में आपको करना क्या है, अगर एक दिन की बात करें 20 पेज पढ़ना है। आप अगर 9 दिन पढ़ेंगे या 10 पेज पढ़ते हैं ठीक है, एक घंटे आप अपने लिए निकालिएगा, एक दिन में 10 पेज पढ़िएगा और आपके पास 18 दिन है, 18 दिन में आप 180 पेज खत्म कर देंगे। ये हो गई 18 दिन की तैयारी, क्लियर हो गया। दूसरा ये बाल विकास, दूसरा हम आपको शॉर्ट नोट्स लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, अब हम शॉर्ट नोट्स आपको दे रहे हैं, जो ये आपके मैराथन क्लास चलने जा रही है, ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये लगभग 50 से 60 पेज के होंगे। ये 50-60 पेज है आपको, ये एक बार बैठेंगे तो 2 घंटे या 3 घंटे में समाप्त हो जाएंगे। ये शॉर्ट नोट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसकी विस्तृत व्याख्या होगी, ये आपको इलर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब पर होगा या एप्लीकेशन पर होगा जो आपके प्ले स्टोर पर है, वहां पे आप जाइएगा एक कोर्स उसको आप ले लीजिएगा, वहां पे आपको ये पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्योंकि समय कम है, 2-3 घंटे में पूरी सीडीपी। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप जो ये 30 का आंकड़ा है ये आप 25 प्लस आसानी से जा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे सामाजिक शिक्षा हुआ, बुद्धि व्यक्तित्व तो हट गया लेकिन फिर भी प्रश्न वहां से पूछ जाते हैं, थोड़े थोड़े आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे सामाजिक शिक्षा हो गई, अगर हम बात करें अधिगम के तो 5 प्रश्न फिक्स हैं ऐसे टॉपिकों पर। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी भी 110 पेज का नोट्स था, ये रिविजन था, एक बार इस नोट्स को पूरा पढ़ लीजिए अगर आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो। अगर आपके पास होगा इलेनी विद दुर्गेश 110 पेज का नोट्स है, एक्सेस थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, 3-4 घंटे लगेंगे रिवीजन करने में, और 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो जो 30 का आंकड़ा है यहाँ पर भी आप 25 प्लस आराम से जाएंगे, आराम से आसानी के साथ, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी बस। उसके बाद हम आते हैं बात करते हैं अंग्रेजी संस्कृत उर्दू। देखिए उर्दू तो हमारे यहाँ कोई क्लास नहीं है, अंग्रेजी की भी क्लासेज अगले दिन से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, 21 दिन की यहाँ भी मैराथन क्लास होगी। संस्कृत की भी नोट्स आपको उपलब्ध होंगे, ये भी लगभग 110 प्लस पेज के नोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर देंगे तो आराम से, जिनको संस्कृत अंग्रेजी लगातार आती है, प्राथमिक बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती, यहाँ पर भी आप 25 प्लस अंक आसानी से अर्जित कर सकते हैं। लेकिन कब, मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा मैंने रणनीति आपके बीच साझा किया है, ये आपके पास नोट्स होंगे तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, साथ में शॉर्ट नोट्स भी हम 1-2 दिन के अंदर शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध करा देंगे जो टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं लिंक आप जुड़ पा रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप ऐप इंस्टॉल करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ऐसे स्पेस मत दीजिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। गणित की बात करते हैं, गणित अपने आप में कठिन माना जाता है प्रायः, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो 80% अभ्यर्थियों की होती है, सर मुझे गणित से डर लगता है। अगर आपको गणित से डर लगता है तो हो सकता है कि आप यहाँ पर, जिनको गणित आती है ठीक है, जिनको नहीं आती वो यहाँ पर 15 प्रश्न कर पाएंगे। आपके पास समय कम है, ऐसी कोई जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है, हम घुमाकर आपको इसको 25 प्लस करा दे। जिनको गणित नहीं आती है, बस वो इतना हो सकता है, अगर उनको 10 आती थी तो आज वो बढ़कर क्लास पढ़ने के बाद 15 हो सकते हैं बस, वो 10 की जगह 15, या उनको 6 आती थी तो उनको बस 15 हो सकता है, 15 से ज्यादा 18 हो सकता है, 20, 25 तो मुश्किल ही मुश्किल है, जो कोरी सच्चाई है। नोट्स एक बार रिविजन करिएगा, लेकिन नोट से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस बैच है, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण इलेनी विद दुर्गेश की संपूर्ण नोट्स आपके पास होगी, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे 28 प्लस आसानी से कर लेंगे। आशीष सर जो सहायक अध्यापक हैं सुल्तानपुर के, जो इलेनी विद दुर्गेश पे थे, उनके नोट्स आप लोग के पास होंगे, वो पढ़ लीजिएगा। इलेनी विद दुर्गेश के नोट्स हैं, उसमें हूबहू प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, चाहे पेपर कितना भी पैटर्न बदल दे आप उसके बाहर नहीं जाएगा। एक बार उसको पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, वो लगभग आपका 92 पेज का है। इसके अलावा हम आपको 92 प्लस पेज का, इसके अलावा हम एक मैराथन नोट्स भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक मैराथन नोट्स भी
लेकर आ रहे हैं जिसका उद्देश्य है केवल केवल आपका सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं इस रणनीति के तहत हम आपको भी क्लासेस कैसे दे रहे हैं। अब आपको समझना है कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है। उसके अलावा यदि यहाँ से कोई डाउट कोई सवाल हो तो अपने मन में तो जरूर पूछेगा। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा और सीधा ऐप पे जाइएगा 6306304367। अभी मैं आपके भी बात करूँ क्लासेस कैसे चलूंगा, ये क्लासेस जौनपुर से मिल रही हैं आपको और आप नोट्स अगर चाहिए तो यहाँ पर जाकर ऑफिस से ले लीजिएगा हैंड टू हैंड, क्योंकि समय तो नहीं है घर पहुंच पाएगा। अब हम यहाँ पे और बात करते हैं क्लासेज हम आपको देखिए दो तरह से दे रहे हैं। पहली चीज मैं चाहता हूँ कि क्लासेज आपको बड़ी क्लासेज हो, जैसे एक बार बैठे तो हिंदी कवर, एक बार बैठे सीडीपी कवर, एक बार बैठे मैथ कंप्लीट, एक बार बैठे ईबीएस कंप्लीट। इसके लिए हम चाह रहे हैं दो तरह से क्लासेज देना। पूरे दिन भर तो क्लास चलेंगी जो आप ई लर्निंग दुर्गेश के ऐप से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो क्लासेज है शाम के 7 बजे से, तो 7 बजे से क्लासेज शुरू हों, जैसे अगर 7 बजे से क्लासेज शुरू हो रही हैं तो ये 9:30 तक चले, माने 2.5 घंटे तक ये क्लासों में एक विषय है वो कंप्लीट पढ़े। उससे क्या होगा कि आपके जो एक विषय बात क्योंकि तथ्य जो है वो कंप्लीट है, मतलब कम से कम 10 नंबर की तैयारी आसानी से हो जाए, 10 नंबर आपके पक्के हो जाए एक क्लास से। दूसरी क्लास पर तुरंत बाद, दूसरी क्लास अगर चल रही है तो तुरंत 9:30 से चले और 11 बजे तक चले। 11 बजे से अभी सुपरटेट चल रही है लेकिन 10 दिन के बाद आपके केवल टेट पर फोकस होगा। ये दो क्लासेज आपको प्रतिदिन चलाने का मेरा उद्देश्य है। जैसे अगर संस्कृत चल रहा है केवल संस्कृत, हिंदी चल रहा है केवल हिंदी, सीडीपी चल रहा है केवल सीडीपी, मैथ चल रहा है केवल मैथ, ईबीएस चल रहा है केवल ईबीएस, ताकि आप परीक्षा में बड़ा और बेहतर अंक अर्जित कर सके। ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए है क्लास, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। उसके अलावा जैसे अभी मैराथन बैच में फिर लग रही है अगले 4 बजे से, जैसे यहाँ पे लग गया 4 बजे से, अगर हम 4 बजे से कोई क्लासेस लगा रहे हैं तो ये भी चले आपके 36 तक, इस तरह से। उसके बाद दिन में अगर कोई क्लास चल रही है तो 1 बजे से अगर क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो ये भी पूरा 3 बजे तक चले, इस तरह से क्लासेज हम आपको डिजाइन करा रहे हैं। उसके बाद ये क्लासेज जो थियरी क्लासेज है ये 11 दिन तक चलेगी, ध्यान रहे 11 दिन तक थियरी चलेगी और 10 दिन तक प्रैक्टिस। और जब प्रैक्टिस हल करते जाएंगे, जैसे आपने 21 प्रैक्टिस सेट ई-लर्निंग पे दुर्गेश की हल की, अगर 21 टेस्ट पेपर आपने हल कर लिया, या अगर टेस्ट पेपर की हम बात करें, अगर आपने 20 टेस्ट पेपर हल कर लिया, 20 प्लस टेस्ट पेपर अगर आपने हल कर लिया, तो उससे एक बड़ा फायदा आपका, सबसे बड़ा ये होगा कि जो आपका वीक जोन होगा वो भी आपके स्ट्रांग जोन में बदल जाएगा। पेपर प्रश्न कैसे आते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, कैसे आपको करेंगे, अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेंगे, तो भैया पहला काम ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में ही यूपीटेट के कोर्स में जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। जौनपुर में है तो जौनपुर किसी भी दुकान पे जाइएगा आपको आसानी से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। घर बैठे आपको चाहिए तो तुरंत मैसेज करिए, टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली मिल जाएगी, नंबर आपके डिस्प्ले पर है। इसके अलावा भी एक नंबर है, अगर ये नंबर किसी कारणवश ना लगे तो आप एक नंबर मैं और दे रहा हूं वो भी रखिएगा, ई-लर्निंग पे दुर्गेश के सभी ऑफिस के नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर आप कभी कभी ये व्हाट्सएप अचानक से बंद हो जाता है, ज्यादा मैसेज आते हैं तो व्हाट्सएप कंपनी वाले ही बंद कर देते हैं, तब इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी चीजें जैसे मैराथन बैच लेनी है तो 399 रुपए में कंप्लीट है, जहां पे संपूर्ण क्लास नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको है तो ऐप पर है, यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कोई मेरा चार्ज नहीं है, ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश के जो नेट का चार्ज होगा जो ऐप का है वो आपको वहां पे है, बाकी किसी को कोई चार्ज नहीं देना है। मेरी पूरी क्लासें निःशुल्क होंगी यूट्यूब पर, वहां पे आप आके देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो डेली की डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलते जाएंगे, आप हल करते जाएगा। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको और क्या मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा, क्योंकि जब तक ओएमआर शीट नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा इसको कैसे हल करना है या कैसे गोला करना है। तो जो 5 गलतियां परीक्षा हाल के अंदर करते हैं, हम ये चाहेंगे वो गलती परीक्षा हाल के अंदर ना हो, सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाए और आप जब आए बाहर तो परीक्षा हाल में भी जाए मुस्कुराते हुए, बाहर भी निकले तो मुस्कुराते हुए। इसमें जो भी कोई संशोधन होगा, जैसे किसी क्लास की टाइमिंग चेंज करनी हुई, कोई क्लास किसी अन्य समय पर लगनी है, कोई क्लास और बड़ी करनी हुई, अचानक से कोई आपके लिए सूचना, कोई प्रैक्टिस सेट, कोई नोट्स आ गया, या जैसे कुछ लोगों की डिमांड आ गया सर मुझे मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, इसमें सर मैथ पे स्कोर करना है, सर मुझे ईबीएस पे या हिंदी पे, उनके लिए भी स्पेशल क्लासेज हम आपके लिए लगाएंगे, उस सभी की सूचना हम टेलीग्राम के माध्यम से दे पाएंगे। टेलीग्राम के माध्यम से आप टेलीग्राम से ना, हाँ तो टेलीग्राम के माध्यम से लोग आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि हाँ देखिए मैं यहाँ पे गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ, मेरा इससे कोई दायित्व तो नहीं है, मैंने इसकी नींव रखी थी, लेकिन आज मेरा किसी प्रकार पते चपते से मेरा कोई संबंध नहीं है। बस मैं ये चाहूँगा कि जहाँ से मैं जुड़ा हूँ आप भी जुड़िए, बेहतर करिए और
मिशन प्रेरणा को भी आपको पूरा करना है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चे जो आपके आसपास होने नजदीकी विद्यालय में दाखिला कराइए और आप भी सरकारी शिक्षक बनिए। इसका पहला सेमीफाइनल मैच है और यहाँ पर अगर आप बीट हुए तो रेस से बाहर हो जाएंगे। इसको पार करना है, अगली बाधा सुपर टेट की वो भी पार करना है। सुपर टेट की भी नोट्स उपलब्ध हैं, टेट सी टेट सभी नोट्स उपलब्ध हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आपके मन में भी कोई सवाल है, बताइए, कोई सवाल हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन है यहाँ पे कमेंट करिए, सारे सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। हाँ, जो नहीं है मुझसे मुझसे पूछ के दे दीजिएगा, ठीक है। और ऐप पे कोर्स, हाँ देखिए ऐप पे पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और मिनिमम चार्ज आपके लिए रखा गया है जो ना के बराबर है, और इंटरनेट हाँ ठीक है, ऐप का ना, हाँ ऐप का चार्ज है वो लोग उन लोग का, तो वहाँ क्योंकि वो ऐप जो हम लोग को उपलब्ध कराया जिन लोगों ने, तो उनका चार्ज है वो है, वो हम लोग से उसका कोई भी वास्ता नहीं, लेकिन हम आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। 25 दिन आपके जीवन का निर्णायक है, इस 25 दिन में ही ये साबित हो जाएगा कि अगली बार फाइनल कौन खेलेगा। और यहाँ पे एक परीक्षा पास करने के बाद हमारे मन में भी ये आता है यार, हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, एक परीक्षा पास है अगली और बेहतर पास करेंगे। अगर आपने इस 5 विषयों की बेहतर तैयारी कर दी तो सुपर टेट आप 100 नंबर खड़े खड़े तैयार है, पढ़ना केवल 50 नंबर है। बाकी करंट की सीरीज प्रतिदिन सुबह 6 बजे लर्निंग पे दुर्गेश पर आती है जो निःशुल्क देशित में है। टेट की तैयारी करें तब भी पढ़ते चलेगा, 10 मिनट को तो क्लास होती है लेकिन 10 क्वेश्चन फिर विविध कराते हैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे प्रतिदिन की सुबह 6 बजे जब घड़ी इशारा करती है 6 बजने का, आपके लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर करंट आती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और उसमें एक विविध भी होता है डेली का डेली, ठीक है। अब कोई सवाल आपके मन में तो जल्दी पूछेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बताइएगा 21 दिन का प्लान कैसा लगा, 11 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन केवल प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन डेली एक सुबह प्रैक्टिस सेट, शाम को प्रैक्टिस सेट, चाहे दिन में 2 बार या 2 बार में जब भी टाइम मिले, बाकी टाइम क्लास पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पे फोकस करेंगे फिर एमसीक्यू पे फोकस करेंगे, क्योंकि अब की बार टेट पार, क्योंकि अब की बार टेट पार, अगली बार एक्सिट हमार, अब की बार टेट पार, अगली बार एक्सिट हमार, क्योंकि आप साथ हैं देंगे तो हम आपको परिणाम जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्पो जनपद इस राजा हिंद की धरती से मैं आप सभी के बीच था हूं, आगे भी रहूंगा जब तक आप अंतिम रूप से चयन ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं, और हार जीत का फैसला हमेशा 5 और नंबरों पे होता, जो कभी नहीं पढ़ते कहते सर मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ, तो सफलता का जो पैमाना है 1 या 2 अंक होता है, हमारी पूरी पढ़ाई इन 1 और 2 अंकों पर ही होती है। इसलिए बात को ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा, क्योंकि अब की बार हर हाल में टेट पार, ताकि अगली बार एक सीट हमार। बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया शेयर के लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबाइएगा, पैसे नहीं कटेंगे, कर भला तो हो भला, ऊपर वाला देख रहा है।